तू मुझे मोहब्बत सा दिखता है, और कोई पूछ ले मुझसे मोहब्बत के बारे में तो सिर्फ तू दिखता है। शुक्रिया। नमस्कार सभी को मेरा, मैं विशाखा कापड़ी, और अपने खाली वक्त पर अपनी कलम से सिर्फ मोहब्बत और जुदाई की दास्तान लिखती हूँ, और काफी समय से सिर्फ मोहब्बत लिखे आ रही हूँ, आज जुदाई का कुछ लेके आई हूँ। तो भाई जो रिलेट कर सके कर लें। और कुछ भी शुरू करने से पहले एक बात बोलना चाहूंगी कि ये जो लोग कहते हैं ना आपके बगल में कि वो महसूस कर सकते हैं आपका दर्द, ऐसा नहीं है। हर इंसान की जुदाई का अलग एहसास होता है, कोई किसी का दर्द महसूस नहीं कर सकता। और ये पहला शेर मेरे दिल से उसके दिल तक के लिए कि जब अगले वस्ल तक के लिए जुदा हुए, अगले वस्ल यानी मुलाकात, कि जब अगले वस्ल तक के लिए जुदा हुए तब भी मेरा दिल बहुत दुखा था, अब जो जिंदगी भर के लिए हुए जुदा, तो फिर क्या वस्ल की उम्मीदी, फिर क्या इश्क की ना उम्मीदी, क्या रातें क्या मुलाकातें क्या बातें, किसकी सुबह कौन सी शाम, अब अधूरी तन्हा रात, जाना तू बस ये सोच कि अब के मेरा दिल कितना दुखा होगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये है कि आप किसी किसी पर ही हक जता सकते हैं, आप सब पे तो हक जता नहीं सकते। ऐसा है कि तुम ही पर सीखा था हमने हक जताना, कि तुम ही पर सीखा था हमने हक जताना, खैर अब तुम ही नहीं जिंदगी में तो फिर हक किस बात का। शुक्रिया, शुक्रिया। कई सच होते हैं जो हम जानते जरूर हैं मगर उसे मान नहीं सकते। मेरा एक ये सच कि मैं जानती हूं कि मोहब्बत उसने भी की थी, मैं इसे क्यों नहीं मानती, कि मैं जानती हूं कि मोहब्बत उसने भी की थी मगर उसकी तरह बीच राह छोड़कर जाने का फैसला कभी मैंने तो नहीं किया। शुक्रिया। और ये जो लोग कहते हैं ना कि तुम जिससे जुदा हो गए हो वो इतना बुरा इंसान नहीं, उसके बारे में इतना बुरा ना सुनो, तो तुम्हारे लिए ये कि सुनकर अनसुना कर देता है वो दर्द मेरा, वो क्या करेगा सजदा मेरा। और ये आज जिसके लिए मैं आई हूं कि क्या मुझे तुम्हारा थोड़ा सा वक्त मिल सकता है, ये ऐसे कि क्या मुझे तुम्हारा थोड़ा सा वक्त मिल सकता है, नहीं गुफ्तगू करने को कुछ नहीं है, बस तुम्हें एक टुक देखने की चाह है, कि गुफ्तगू करने को कुछ नहीं है बस तुम्हें एक टुक देखने की चाह है, नहीं कोई उम्मीद नहीं है ना कुछ कहने को है, बस तुम्हें एक नजर देखने की चाह है। शुक्रिया। एहसास करना है उस पहले से एहसास को, क्या था तुझ में जो मुझे डुबा ले गया, क्या वो नजदीकियां साथ का इशारा था, तो फिर उस शाम की बेहसी के नजारे का क्या मतलब था, क्या तू इन सब का जवाब पेश कर पाएगा, क्या तू इसको जस्टिफाई कर पाएगा कि क्या तू इन सब का जवाब पेश कर पाएगा, वो तुम्हारा देर रात तक बात करना और फिर ये कहना कि इतिहाद की कभी कोई उम्मीद ही नहीं थी, कि वो तुम्हारा देर रात तक बात करना और ये कहना कि इतिहाद की कभी उम्मीद ही नहीं थी, मुझे तुम्हारी आंखें पढ़नी है, कि मुझे तुम्हारी आंखें पढ़नी है, तुम्हारी रूह में इन सब का इख्तिताम देखना है, इन सारे सवालों के जवाब के लिए क्या मुझे तुम्हारा थोड़ा सा वक्त मिल सकता है, नहीं गुफ्तगू करने को कुछ नहीं बस तुम्हें एक टुक देखने की चाह है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये है कि विशाखा उससे दूर रहो, कि लोग कहते हैं विशाखा उससे दूर रहो वो एक पागल लड़की है, मियाँ ये बताओ कि इश्क में आखिर कौन पागल नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ मैं ये ख़त्म करना चाहूँगी कि सुन इंतज़ार रहेगा तेरा, कि सुन इंतज़ार रहेगा तेरा, मैं नहीं तो पैगाम रहेगा मेरा, और मोहब्बत मोहब्बत मेरी बेशक पहुँचेगी तुझ तक, तू हाँ कहे तो एहतराम रहेगा मेरा, वरना जिंदगी भर इंतज़ार रहेगा तेरा। बहुत बहुत शुक्रिया।